आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है कानपुर के घाटमपुर से। तीन बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, बच्चों को साथ लेकर प्रेमी संग फुर हुई महिला। गांव के ही रहने वाले कुआरपाल पर परिजनों ने महिला और बच्चों को ले जाने का लगाया आरोप। प्रेमी पर प्रेमिका के पति का रास्ते से अपहरण कराने का परिजनों ने लगाया आरोप। बाहर रहकर व्यापार करता था प्रेमिका का पति। शिकायती पत्र देने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के टरवाड़ा गांव का मामला है। मेरा नाम सर विजय सिंह। क्या मामला? मामला ये हुआ कि हम तो बाहर रहते हैं और बाहर ही थे। अब मामला जब हमको मालूम हुआ कि यहाँ से वो लोग चले गए हैं। कौन चला गया? कुंवरपाल लेकर के चला गया है। किसको? यानी औरत को, बच्चों को। किसकी औरत को लेकर चला गया? राजेंद्र की। राजेंद्र कौन है आपके? राजेंद्र मेरा छोटा भाई है। अब जब वो लेकर के चला गया है तो उसको भी पता लग गया है। उन्हीं के भाई में साथों में था तो पता लग गया, तो वो चलने के लिए किया है। अब वो चलते चलते रास्ते से कहा कुछ हुआ है कि मतलब घर ही नहीं आ पा रहा। अपनी भाभी से कहा कि मतलब हम आ रहे हैं, तो भाभी ने कहा कि मतलब आ तो जाओगे, कै बजे तक आ जाओगे, तो जल्दी आओ। तो उसने कहा भाभी हम आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आ पाएंगे। और ना मालूम रास्ते से ही क्या सिस्टम इन लोगों ने करवा दिया कुंवरपाल ने, तो हम बता भी नहीं सकते। अब हमको हमारे पास सोचना गई तो हम तो यही व्यवस्था बनाए कि हम चले। क्या अभी तक कोई बातचीत हो पाई? अभी तक तो कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। कितने दिन हो? ये केवल 22 तारीख का मामला है। पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत तो हुई है। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई ये हमारे पास कागज पड़े हैं, हम थाने में अप्लीकेशन दे गए हैं, पुलिस हमारी सुनाई नहीं हो रही है। क्या कह रही पुलिस? जब गई नहीं तो क्या सुनाई होगी? कोई जवाब ही नहीं मिला। क्या नाम है आपका? देवी। क्या मामला हुआ? सर ये मामला हुआ है, हम लोग थोड़ा मान लो उस घर से हम दूर रहते हैं, बगले ही में है, बगले ही में साइड में है। तो हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी और वो कुंवरपाल उसके घर में आता था, तो इसलिए आता था कि हमारी कुछ समस्या थी, हमको लोगों ने सताया। तो वो कहने लगा कि हम लोगों ने जब ये कहा कि आप यहाँ क्यों आते हो, तो हमने कहा कि आप यहाँ पर आना नहीं सही है, अपना घर है, अपने घर पर रहो। तो वो लोग ये कहने लगे चाची आप क्यों परेशान हो। तो मैं इसलिए आता हूँ, मुझे मेरे ऊपर गांव वाले बहुत जलन करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। किस मान लो छोटी सास है मेरी, उसका रिश्ते से वजह से यहाँ आने लगा वो। जब वो आने लगा तो हमने कहा भैया ऐसा है कोई भी दुर्घटना हो गई हमारे घर पर तो फिर इसकी जिम्मेदारी खोलेगा। तो कहने लगा ये कोई बात भी नहीं है चाची, और जब तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग सब घर पे अपने अपने खाना पीना बना के अपने घर में सो गए। तो हमको जानकारी नहीं थी कि ये किस लिए यहाँ पे आया है, और वो किसी को नहीं बोल के गई। तो जब बोल के नहीं गई है तो वो उसकी जेठानी थी वो भी अपने बच्चों को लेके सो गई। और पता नहीं 8 बजे का टाइम है शाम को, सत्यपाल का और कुंवरपाल दोनों ये लेके यहाँ से चले गए। किसको लेके गए? विनीता को। जब विनीता को एक दिन पहले हमने देखा, विनीता को सत्यपाल और सत्यपाल की सास घर से ले गई, और लेके वो पता नहीं ये कहाँ पर ये लोग ले गए थे। जब उधर से शाम पारे आई है 4 बजे के टाइम पे, हम थे खेत पे, हमने देखा, हमने कहा ये विनीता आज इनके साथ कहाँ पर गई थी। तो हमने उसको आवाज़ मारी तो वो हमसे बोली नहीं। जब उसने कान में अपना फ़ोन लगा लिया, फ़ोन में बात करती करती वो अपने घर आ गई। हमने देखते रहे वहीं खेत से, थोड़ी दूर हमारा खेत है घर से, तो हम देखते रहे तो वो अपने घर पे आ गई। और ये लोग अपने गांव होके अपने घर आ गए। तब सुबह होके और ये मामला उस लोगों ने बनाया है। जब बनाया तो हमने पता किया, हम कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं चली गई है, शायद आपस में दोनों लोगों को झगड़ा होगा होगा दोनों मियाँ बीवी का। तो जब पता किया तो कहीं रिश्तेदारी में हमको पता नहीं चला। तब उनके घर पे गए तो उनके घर को जानकारी की, तो उनकी सास ये कहती है, तो उसकी मीरा ने जेठानी ने ये पूछा कि माँ जी ये बताओ तुम्हारे घर पे आ गई हो इस गुस्सा में, तो हमें बता दो। तो वो कहती है हमारे घर पे नहीं आई है, और आएगी तो तुमको भी रखेंगे, और तुम्हारी लड़की आएगी तो लड़की को भी रखेंगे, और बहू आएगी तो बहू को भी रखेंगे, ना तुमको भी मना करेंगे ना तुम्हारी हम लड़कियों को भी मना करेंगे। तो जब हमने भी
आके हमने अपने परिवार में सूचना दिया कि वो लोग ऐसे ऐसे हमको बोल रहे हैं। जब वो लोग हमसे ऐसे बोलने लगे तो हमने जब ऐसा, फिर इसके दूसरे दिन में हमने, हमारे घर पे कोई गार्जियन नहीं था उसका, अभी तक कहीं पता चला है? कहीं नहीं पता चला। क्या तो लगता है किसके साथ गई हो? वो कुंवरपाल के साथ में गई है। तो पुलिस से जब हमको पता चला, इसकी शिकायत आपने कहीं पर की है? इसकी शिकायत आपने कहीं पर की है? हमने अभी कहीं शिकायत नहीं की है, हमने थाने में शिकायत दी है, वो भी देखो इस पर पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। क्या कह रही पुलिस? पुलिस ने कोई जवाब ही नहीं हमारा दिया है, ना हमारे घर पे ही गई है, ना हमको कोई जवाब दिया है। जब दोनों खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।